इमोशनल हो जाता है। आई मिस माय ग्रुप सो सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक अ न्यू व्लॉग एंड न्यू एपिसोड। तो सुबह के 8:30 बजे आज संडे के दिन अपने को निकलना पड़ रहा है क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है, जाना पड़ेगा। और मेरे साथ है अनिल ऊपर वेट कर रहा है, मैं ऊपर जाके अनिल के साथ मिलाता हूँ आप लोग को। तो लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहीं पर एंड करते हैं एंड आज निकलते हैं। तो टाइम कितना हो चुके हैं, पूरे 8:30 हो चुके हैं। तो पहले रेडी होता फिर मिलता हूँ आप लोग को। ये बीच से ये चीज़ मैं चेक करा, मतलब पिछले लोगों को चेक नहीं करवा पाया था ये चीज़। तो गियर लीवर है ना, ये मैंने यहाँ से निकलवा दिया, कटवा दिया पीछे से। तो बैक साइड से ऐसी लग रही है, मतलब सही लग रही है लुक वाइज भी। अब हैंड गार्ड के हिसाब से आज संडे अब जा रहे हैं हम लोग। तो अनिल आगे वेट कर रहे हैं, अनिल के पास चलते हैं एंड फिर मिलते हैं आप लोग को। हम सीधा मोटर ब्लॉक पे मिलूंगा। सो गाइस आई एम रेडी। अब अनिल का कॉल है, अनिल बोल रहा है कि भैया मुझे 16 मिनट में बालू पहुँचाना है। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया 16 मिनट में? भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं सोचा था कि शायद से ब्लॉग भी करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाई साहब ये अनिल बहुत ही पहुँच गया। ये आगे जा रहा है, अनिल मेरे साथ है ना। आज हम लोग काफी टाइमिंग के बाद मतलब आज मिले हैं, बट आज भी ऐसे ही है, ये पीछे बैठ गया हुआ है। 8 या 9 तारीख को मिलेगा ये, तब जाके व्लॉग करेंगे। आज का मतलब व्लॉग जो है ना घर पे होने वाला था, बट कुछ निजी कारणों के चलते हम लोग को ये व्लॉग जो है मोटर व्लॉग के में तब्दील करना पड़ रहा है। 3:30 बजे के आसपास शायद से अगर प्लान बनता तो निकलेंगे, अदरवाइज फिर सुबह शाम वाला जो होता वही चलेगा। मतलब कल इस टाइम पे मैं ना आधा रास्ता कम्प्लीट कर चुका था। के आसपास ही चलता हूँ अपनी, मतलब टॉप स्पीड ये रहती है, बट आज 60 के आसपास चलता हूँ, 60-70 के आसपास। इसका ना पिछला टायर बहुत ज़्यादा स्पीड करता है, वो दिक्कत है, बाकी तो सब सही चल रहा है आराम से। ज़्यादा लीन नहीं कराना इसको अपने को, क्योंकि तो जितना ज़्यादा लीन कराएंगे ना उतना रिस्क बढ़ जाएगा इसका गिरने का। आज बहुत ज़्यादा रश चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं, मतलब इतना रश मैं अभी तक चला नहीं हूँ खास कर। अब पता नहीं है नहीं तो क्या लग रहा होगा, शायद से डरना तो नहीं है, ऐसी ऐसी जगह पे ओवरटेक करेंगे ना। तो ठीक है भाई, चल ठीक है, शुरू ठीक है। अनिल उतर गया, निकल लिया, बट यार बहुत ज़्यादा रश आया हम लोग, बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना, क्या नहीं था कितना रश आया कि कुछ मत। फर्स्ट टाइम इतना रश चल के आया, बट थोड़ा सा यार फील भी होता कि इतना ज़्यादा रिस्क लेके चलना और वो भी इतना ख़तरनाक तरीके से, सो चीज़ है थोड़ी सी, बट थोड़ा सेफ्टी के साथ देख देख के चलना पड़ता है। सो ऐसा नहीं कि रोड दिखा और भगाना शुरू, नहीं थोड़ा आगे पीछे देख के निकालते हैं हम लोग भी, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं परेल पहुंच चुका हूँ, सो अब पता नहीं इसके बाद कितने बजे व्लॉग करने का टाइम मिलेगा, कितने शाही से मोटा व्लॉग हो कुछ भी, अभी आगे का कुछ भी मेरे को मालूम नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि अब मेरा ना ऐसा कोई डिसाइड नहीं रहता कि अब ये करना ऐसे व्लॉग करेंगे ऐसे करेंगे, बस जैसे टाइम मिलता है वैसे ही अपन शुरू हो जाता है कि व्लॉग करना तो व्लॉग करना बस। तो इसके बाद अब जैसे भी टाइम मिलेगा ना व्लॉग करने का, हम वैसे ही मोटर व्लॉग होगा तो मोटर व्लॉग पे मिलेंगे, अदरवाइज व्लॉग होगा तो व्लॉग पे मिलेंगे। बाकी मैंने बाइक का आपको दिखा दिया कि क्या मैंने मॉडिफिकेशन करके रखी, पिछले व्लॉग में आप लोग को मैंने बताया था। तो आज मार्केट यहाँ की पूरी बंद है, आगे जाके देखते हैं आगे की खुली रहेगी। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग को, और यहाँ तक आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करके रखा वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और आईडी की लिंक मैंने नीचे दे दी, तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब एंड फॉलो है। इसको लगाने का जुगाड़ नहीं मिल रहा, तो मिलता मैं आप लोगों को जैसे। सो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक। मुझे लगा था मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगा, बट जल्दी फ्री नहीं हुआ, जैसे अभी फ्री हुआ एंड अभी टाइम हो रहा है 5:30 हो रहे हैं, सो अभी निकल रहा हूँ। मासी आए मेरे नूरपुर वाले, तो उनको लेके जाना था, बट ये जो देखो रोड देख सकते हो तुम लोग, जिस हिसाब से रोड हो रही है
हल्की फुल्की बारिश हुई और माँ से कहा कि मैं नहीं आ रही, अब तू निकल और बोला हम बस पे आएंगे कल। पुलिस वाले यहाँ गए बहुत तगड़े तरीके से, अब पता नहीं नाका लगाने वाले या लगा चुके हैं। मैं आज दिखाता हूँ, वो हर बार बोलता हूँ हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, बट आज दिखाता मैं आप लोग को। हनुमान जी की मूर्ति बनी पड़ी है, ऐसे तो आते जाते रहते हूँ बट आप लोग को दिखा नहीं पाता क्योंकि रात में आता हूँ, सुबह रोंग साइड अपनी वाली साइड से दिखती नहीं है, तो अभी इस वाली साइड से दिखेगी, सो अभी जाके देखते हैं। तो जो जो भी देखेगा तो जय बजरंगबली जरूरी है। तो लगा आज मैं व्लॉग करूँगा धासू वाला, बट आज फिर से वही मोटो व्लॉग वो पड़ेगा। इस साइड से दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ वो ऊपर देखो, जय बजरंगबली, सुख शांति बनाए रखना, ये सुख शांति। यहाँ पे स्पीड लिमिट 30 है, 30 से ऊपर कैसे चले भाई, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे देखो यार, स्पीड लिमिट दिखा रहे हैं इस जगह पे, 30 से ऊपर प्लस नहीं चलना अपने को। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, यू हैव गो। सोलो पर्सन का कहाँ ग्रुप होगा यार, आई एम सोलो राइडर, मेरे साथ मैं और ये मेरे साथ, सूर्य सनराइज हो रहा है यार। ग्रुप देख के ना मतलब ऐसा होता कि इमोशनल हो जाता है, मैं भी हो चुका था क्योंकि आई मिस माय ग्रुप, सो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ अपने उन दोस्तों को एंड उन सबको जो अक्सर शुरुआती टाइम में मेरे साथ थे व्लॉगिंग के, जब मैंने शुरू करा था कि नहीं यार तू लगे रह तेरे साथ हम है, मतलब ऐसे चलाने में ना और ऐसे चलाने बहुत डिफरेंट है यार, मतलब ऐसे चलाने में सिर्फ यही पे मज़ा आता है, बट ऐसे आज ना बारिश की वजह से अपनी हालत और थोड़ा डर ही लगता है यार मेरे को ऐसी ऐसी जगह पे, सच्ची सी बात करूँ तो बारिश में ना रोड भीगा रहता तो उस पर डर सिर्फ इस बात का नहीं होता कि बाइक गिरेगी, डर इस बात को होता कि जो बीच का पिछला टायर है ना वो अपने टायर पर स्टेबल नहीं रहती, सो कभी भी कहीं भी खिसक सकती है, सो इसलिए थोड़ा सा डर रहता मेरे को इस पर, बाकी ऐसा कुछ नहीं, बाकी आराम से चलने वाली है ये, इसने बहुत साथ दिया, ऐसा धोखा भी नहीं देती है। एक छोटी सी क्लिप है कबियाली एंचली ना, हिमाचली एंचली जिसको बोलते ना एंचली, वो ऐसे रैंडमली बजाना शुरू करो और कार में ऐसे कल प्ले कर रहे थे, नील भी आया था, तो तब तक आप वो चेक करो ना, तब तक मैं घर पर पहुँच जाऊँगा। तो गाइस मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और ना लाइट की काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा डिम है ना, तो हवा की वजह से यहाँ पे तारे वारे काफ़ी ज़्यादा लटकी रहती है, तो इसकी वजह से वोल्टेज कम और बढ़ रही है। सो आप लोग ने इससे पहले देख लें, जो हम लोग रात को एंचली का जो भी कर रहे थे वो सब हो गया, समेट दिया, बाकी इस व्लॉग को भी एंड कर रहा हूँ क्योंकि आज मोटो व्लॉग सुबह निकलते टाइम निकला, उस टाइम से शुरू करा, अभी आके मतलब मोटो व्लॉग एकदम से मोटो व्लॉग भी पहुँच लिया। बोलने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ आज का जितना हो सकता था उतना कर लिया,
दिन में बहुत ज़्यादा बिजी रहा जिसके चलते मैं व्लॉग नहीं कर पाया, सीधा मोटो व्लॉग से मोटो व्लॉग एंड करके आके ऐसे मिल रहा हूँ। तो इस व्लॉग को मैं एंड करूँ, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, किस किसने ये एक्चुअली गिटार पे प्ले करी वो मुझे कमेंट पर बता देना, और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करके रखा वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आईडी की लिंक नीचे डाल दी, तो दोनों आईडी की लिंक मैं नीचे डाल दी। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो। तो इस व्लॉग को मैं एंड करूँ, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और टाइम वैसे 7 बज रहे हैं, व्लॉग एंड करने का टाइम हो चुका। आज मुझे व्लॉग एंड एडिट करके ही सोना है, तो मैं व्लॉग एडिट करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।